आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। देखो हेलो, साधना। हेलो, सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और सवाल करिए। दरवाजा बंद कर दे। हाँ जी, सवाल आपका, 1063। हेलो। सवाल आपका। हाँ, मेरा सवाल है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं एक गोली जीमा टू ले रही हूँ और होम्योपैथी दवाई ले रही हूँ। उससे मेरी शुगर तो करीब करीब कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मेरे को चाहे जब रात को ज्यादातर नींद की परेशानी रहती है और पेट में गैस बहुत बनती है। मेरा सवाल ये है कि मेरे को नींद नहीं आती, ठीक मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं एक जी, गोली अंग्रेजी ले रही हूँ और होम्योपैथी की भी ले रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी एज का पता चल जाए तो मैं आपको आसान नुस्खा बता देता हूँ। एज आपकी 61 साल है, मेरे को 0.5 mg की फिर नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। ठीक है, ये बड़ा गलत है कि आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो मैं एक ऐसा ही आपको नुस्खा बताता हूँ जो आपके तमाम रोग पर काम करे और डायबिटीज़ पर भी काम करे और नींद पर भी काम करे और आपकी नींद की गोली भी पहले दिन से छूट जाए। एक सिरका आता है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का सिरका। ये 3 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के रोज़ाना रात के समय पिया करें। 1 गिलास पानी में डाल के, छोटे चाय के चम्मच, आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया, बिल्कुल दिमागी सुकून, और गैस वगैरह से भी बहुत राहत होगी और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल ये करता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आपको जो डायबिटीज़ की दवाएं के नुकसान होते हैं उन वो भी नहीं होने देता। आप इसे इस्तेमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं। जी हैं अमित हमारे साथ, स्वागत है अमित आपका। नाम जी बताइए। हमको पेट में कीड़ा हो जाता है, राम वर्मा इंटरनल का। जी हकीम साहब से बात रहा है। हाँ जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। कीड़ा हो जाता है ना? जी अच्छा, तो हमको पेट में कीड़ा हो जाता है, जी, और बोलिए। राम वर्मा इंटरनल और गैस बनता है, गैस पहले खाना आ जाता था मुंह में, और अब है कि माने कि गैस ऊपरे में निकलता है, ऊपरे में निकलता है तो हल्का कमजोरी ऐसा बुझाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आप जानते हैं अनार, अनार को हम खाते हैं, उसके बीज को, और छिलका फेंक देते हैं। अब की बार आप छिलका फेंकिए नहीं, बल्कि इसे सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए और 2 चुटकी अनार का छिलका का पाउडर और 2 चुटकी आप लीजिए नमक जैतून। जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता। 2 चुटकी में जितना आए ये चुटकी हम इसे कहते हैं, 2 चुटकी जैतून का नमक और 2 चुटकी अनार के छिलके का पाउडर 1 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें। आपकी दोनों समस्याएं का हल होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं हरियाणा से हमारे साथ डॉली, स्वागत है डॉली जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम मेरी पूरी बात सुन लेना आप, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ बोलिए। मेरे को है ना पेट में इतना पारा भी रहता है और गैस भी बहुत ज्यादा बनती है, साफ भी नहीं होता पेट, और पैरों में बेचैनी रहती, पूरी बॉडी मेरी काम नहीं करती, ऐसे बेचैनी काटती रहती है, जी भी दुख रहता है, सिर में भी दर्द है, पैरों में भी, और सारे बाल है वो सारे झड़ रहे हैं, फेस पे भी जैसे पिंपल निकल के उनके गड्ढे हो जाते हैं ना वो वाले हैं, वजन भी मेरा बढ़ रहा है, तो 5-7 साल से ये दिक्कत है, ये बढ़ती ही जा रही है, कोई सब तरह की दवाई है भी कोई आराम नहीं हो रहा मेरे को, तो ये मंगवाया था कलौंजी नमक तो मंगवाया था, अब ये ही नहीं पता भी ये ठीक है मेरे लिए या कैसे यूज करना है इसका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थायराइड का टेस्ट अगर नहीं कराया हो तो आप करा लें। ये सब जो वो हैं आपको प्रॉब्लम, थायराइड भी हो सकता है आपको, तो एक बार करा लें थायराइड का टेस्ट।
और ये कलौंजी नमक आप आधा ग्राम पानी में मिलाकर पिए एक बार कम से कम, और ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। इसे लेना शुरू करें, आपकी जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपकी एसिडिटी, गैस और अनइजीनेस ये सब खत्म होने लगेगी। पहले इसको ठीक कर लीजिए, फिर दर्द के लिए आप गौंद स्याह लेना, जब ये ठीक हो जाए तो गौंद स्याह लेना, और वो आधा आधा ग्राम खाना, फिर आपको पूरी तरह फ़ायदा मुमकिन है। आपके बाल भी रुक जाएंगे और आपका पेट भी ठीक रहेगा, दर्द भी ठीक होना मुमकिन है, सब्र करना थोड़ा सा और आपका ठीक होना मुमकिन है। जी। दिल्ली से हमारे साथ मीरा, स्वागत है मीरा जी। जी हाँ जी, नमस्ते हकीम साहब जी। जी जी आदाब मीरा जी। हाँ जी जी, मुझे मेरी उम्र 45 है। हाँ जी, और मुझे जैसे कोहनी की हड्डियों में दर्द रहता है और अंडर आर्म के नीचे जैसे कभी कभी ना जैसे काला हो जाता है फंगस टाइप, उसमें खुजली भी होती है, लेकिन दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाता है और 3-4 महीने बाद फिर हो जाता है, और मेरे डैंड्रफ भी है और बाल भी बहुत झड़ते हैं। थायराइड का टेस्ट कराया कभी आपसे? अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, थायराइड तो टेस्ट नहीं करवाया। बच्चा, जिस उम्र में आप हैं, यहाँ पर अक्सर फीमेल्स को थायराइड हो जाता है, करा ले तो बहुत अच्छा है, और थायराइड होगा तो फिर थायराइड का ही इलाज करें, और ये सब अपना आप ठीक होना तय है अगर थायराइड है तो। और थायराइड नहीं है तो फिर आपको मैं बताता हूँ, देखिए 45 साल के बाद हर शख्स को, जो भी यानी 45 साल का है, चाहे वो औरत हो या मर्द, उसके जिस्म में कुछ केमिकल बनने समझ लीजिए कम हो जाते हैं, तो हर शख्स को मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम लेना चाहिए, ये आप लेना शुरू करें, और एक हफ्ते में बस एक ही लेना। अक्सर डॉक्टर रोज़ाना दो दो दे देते हैं, तो उससे फिर एक और परेशानी ये हो जाती है कि पथरी हो जाती है, तो एक हफ्ते में एक आप ले ज़िंदगी भर, जो भी 45 साल के ज़्यादा के हैं। कैल्शियम, मल्टी विटामिन्स, जिंक और ये सब उसमें होता है, तांबा, जिंक वगैरह, एक ही टेबलेट में सस्ती आती है, एक हफ्ते में बस एक खानी है, तो ये लेना शुरू करें सबसे पहले। अगर इससे नहीं हो, और थायराइड भी टेस्ट कराना ज़रूरी है, जो आप सिम्टम बता रहे हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, मैं दुआ करूँगा कि ना हो, और अगर हो तो फिर आप, वो एक बड़ा कामयाब नुस्खा है जिसने लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, और वो ये है कि 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, इसको पाउडर बना के एक टाइम या दो टाइम गर्म पानी के साथ अगर लिया जाए तो थायराइड वालों का ठीक होना मुमकिन है, और ये बगैर थायराइड के भी लिया जा सकता है। जी। नेक्स्ट कॉलर है बिजनौर से, इंद्र हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी सवाल करिए अपना। ये सवाल ये कर रहे हैं, जो इसमें जो गैस बनता है उसमें किस चीज की वो हम चाहिए? गैस की दिक्कत है इनको। गैस बनता है आपको, तो देखिए गैस के लिए हमें अपना आमाशय ठीक रखना चाहिए, ये अगर अपना काम सही ना करे तो गैस बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाते हैं, कुछ को हल्की गैस बनती है जो ऊपर की तरफ जाती है, किसी को भारी गैस बनती है जो नीचे की तरफ जाती है, तो सिर्फ गर्म पानी 5 बार पीने से भी गैस का बनना रुक सकता है, 1 घंटा धूप में चलने से भी पेट ठीक हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा रोग हो तो अलसी भूने और हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और इसको खाया करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और अगर इससे भी काम ना चले तो इस अलसी में नमक नमक जैतून मिला लें, जैतून का एक नमक आता है जो नमकीन नहीं होता जायके में, और आधा आधा ग्राम इसमें मिलाकर दिन में 2 बार खाने से आपके पेट के तमाम मामलात का ठीक होना मुमकिन है।
तो बिल्कुल इंद्र जी, आप ठीक हो जाएंगे। आपको जो पेट की समस्या चल रही है, गैस की दिक्कत चल रही है, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा रिलीफ मिल जाता है। ऐसे जिन लोगों को और भी गैस की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर खाना उनका नहीं पच पाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके लिए वो बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं लेकिन तब भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, लाभ नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट में अपना खर्चा ही करते रहते हैं, धन ही धन नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि दर्शकों ये तो धन नष्ट करने वाली बात ही है ना। अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सीधा आप लोगों की हकीम साहब से बात होती है। आप लोग जानते हैं घरेलू नुस्खे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं, कोई भी संकोच नहीं करना है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है दर्शकों। रोग संबंधी आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, नुस्खे जान सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? फरीदाबाद से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल आपका। सवाल आपका, हमारे लिए हमारे जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए, आपके पास बहुत कट कट के आ रही है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हमें शुगर की बीमारी है बेटा। सोराइसिस, शुगर की। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पैरों में झुंझनाहट रहती है, पैरों में दर्द रहता है। ठीक है, ठीक। एज बता दीजिए। ये 60 साल है। 60 साल। अच्छा, देखिए जिसको डायबिटीज पीछे लग गई उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती रहती है। जो दवाई आप खाते हैं डायबिटीज़ की वो खाया करें, लेकिन एक ऐसी भी रॉ मटेरियल एक आता है, एक सिरका है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं। अगर ये 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया जाए, रात को और दिन में भी पी सकते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 3 छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर, तो डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान को ये रोकता है और डायबिटीज़ को एक जगह रोक कर रखता है। और हमारा जीवन क्योंकि बहुत कीमती है और डायबिटीज़ पीछा छोड़ती नहीं है, तो ये हमारे जीवन को सेहत के साथ गुजारने में मदद करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, पेट के रोगों को भी कंट्रोल करता है, और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है, लीवर का भी ख्याल रखता है, किडनी का भी ख्याल रखता है, दिल का भी ख्याल रखता है। तो अगर आप ले सकते हैं तो जैतून का सिरका 3 चम्मच कम से कम एक बार ज़रूर लें, जो बहुत बड़े रोगी हैं वो 2 बार भी ले सकते हैं, आपके समस्या का हल होना मुमकिन है। दिल्ली से मनीषा हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैम। हाँ जी बोलिए। मेरे पापा के लिए पूछना था, उनकी एज है 50। ठीक है। और उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है और घुटनों में मतलब प्रॉब्लम रहती है, उनको सूजन और चलने में ऐसे रहता है जैसे थोड़ा टेढ़े से होके चलते हैं। एज क्या है उनकी? उनकी 50 से ऊपर एज है। ठीक है। और दर्द रहता है घुटनों में। जी बेटा। और सांस की भी प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ी सांस की भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। जी जी बेटा, देखिए आपके पिताजी अगर लहसुन खा सकते हैं तो जब खाना खाते हैं ना तो 4 से लहसुन छील के उनके खाने के साथ में दे दिया करें, उनसे खाएं कि 1 निवाले में 1 लहसुन चबा के खा लें और फिर बाद में सारा खाना खा लें, ऐसे 4-5 लहसुन 6 लहसुन जितना भी वो खा सकें। निवाले के साथ खाएंगे तो बुरे नहीं लगते, लेकिन ये सांस के रोग को उनका अच्छा कर सकते हैं। और दिल का बड़ा ख्याल रखेंगे, बीपी का बहुत ख्याल रखते हैं, ये मामूली सी देखने की चीज़ है लेकिन रोज़ खिलाया करें उन्हें। और ये जो है उनका दर्द है, इसके लिए एक गोंद आता है, गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं, नकली बहुत मिलता, असली लें और रॉ मटेरियल लें, पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम या उससे भी कम दिन में दो 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 समय आप लीजिए, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, तो पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं सहारनपुर से हमारे साथ, श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। जी आदाब। भसीन जी से बात करनी थी। जी श्याम जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। साहब मेरा पेट में गड़बड़ है, गैस बनती है बहुत और नीचे निकलती है, पेट साफ नहीं होता।
अच्छा नीचे को निकलती है, ठीक है। अच्छा देखिए, 5 बार आपको गर्म पानी पीना है और 1 घंटा पैदल चलना है धूप में। अगर चल नहीं सकते तो धूप में बैठ जाइए, बस ये भी काफ़ी है। और अपने खाने में, अपने घर में जो खाना बनाने के जिम्मेदार हैं उनसे कहिए कि इतनी अदरक और इतना लहसुन डाला करें। देखिए जैसे मैं हाथ कटा रहा हूँ, हमारी महिलाएं ज़रा कंजूसी करती हैं, इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन डालती हैं, तो बस इससे भी आप ठीक हो सकते हैं और कोई दवा की ज़रूरत भी नहीं है। और क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शायद कुछ नुस्खा की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं, तो एक आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक, जायके में नमकीन नहीं होता। ये 100-200 ग्राम कहीं मिल जाए असली, तो 0.5 ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, दिन में 1 बार या 2 बार, बस काफ़ी है आपके पेट के रोगों के लिए। और ये आपके पेट को मजबूर करेगा कि वो अपना काम अच्छे से करे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके।